Hoodie RDS Ramadan. कैपिटल न्यूज में हूँ प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम चुनावी कवरेज में हैं और ये पांकी विधानसभा का तरहसी प्रखंड है, बजलपुर गांव है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे इन महिलाओं की भीड़ है, यहाँ के ग्रामीण लोग भी हैं और यहाँ रामदास साहू जो इस जिले के प्रमुख व्यवसायी हैं वो डॉक्टर शशिभूषण मेहता के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं, ये भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों से भी बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ रुझान है। सबसे पहले आप बताइए क्या इरादा है इस बार? इस बार तो बस इनके चलते रघुवरदास कर रहे हैं, रामदास साहब के चलते बीजेपी को देना ही पड़ेगा। इनके चलते देना पड़ेगा? हाँ, इन्हीं के चलते देना पड़ेगा, नहीं तो उनको हम नहीं देते। तो आप लोग बाकी विधायक से ज्यादा मतलब रामदास साहब इनको पसंद? हाँ, इन्हीं का चेहरा देखना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय साहब। संजय साहब जी, चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए क्या इरादा है इस बार? रामदास चक के चलते हम लोग फूल छाप में वोट देने के लिए तैयार हैं। विधायक जी से संतुष्ट? नहीं नहीं, विधायक जी से नहीं, शशिभूषण मेहता से। आप बताइए, यूथ है, युवा है? हाँ जी, बस बोल रहे रामदास चक मतलब चंदन पूरा गांव जो है रामदास साहू जी की वजह से। रामदास साहू तो आप बताइए, आप बहुत बोल रहे हैं, अभी हम आए थे तो देखे। देखिए सर, आप विरोध में? हम वोट देने का, हम सोच के वोट मारेंगे उसी समय सर। हाँ सर, चलिए। रामदास साहू जी है यहाँ, देखे आपका प्रभाव हम लोग की, आप जो बैठक कर रहे हैं, आपकी सक्रियता यहाँ सफल दिख रही है। इंटीरियर इलाकों में आना, लोगों से मिलना, जैसा लोग बता रहे हैं कि वो विधायक से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपका चेहरा देख रख के वो वोट देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग अपने समाज में पाकी विधानसभा में चारों ओर घूम रहे हैं। हमारा समाज कुछ अपेक्षित रहा है, उस कमी को हम भरपाई करने के लिए अपने समाज में वादा कर रहे हैं कि आने वाला 5 साल में वो कमी को हम पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। हमारे समाज में कुछ काम अधूरा बाकी है, उसको निश्चित तौर पर हम विधायक जी से अपने जैसे भी होगा, उसको जिस परिस्थिति में होगा उसको हम पूरा करेंगे। ये सब हम वादा अपने समाज में, अपने परिवार में कर रहे हैं और उसी के चलते मतदातागण भारतीय जनता पार्टी को एक मत से वोट देने के लिए निर्णय लिए हैं। 13 तारीख को जो मतदान है उस दिन हमारे पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के फूल छाप में मतदान कर करके यहाँ के उम्मीदवार को झारखंड विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आप जिस गांव में बैठे हैं, अभी हम इस गांव में आए तो एक नदी, काफी संकरी रास्ता और काफी समस्या थी, उसे लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा और आपकी आगे की क्या कार्य योजना हो? इस गांव में एक छोटा सा पुलिया जो गांव का बहुत ही जरूरी है, उसको पुल को बनना, किसी कारण से वो नहीं बन पाया। इसको हम आज इस गाँव में उपस्थित सभी व्यक्तियों के पास वादा करके जा रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव के 2-3 महीना के अंदर इस पुल के काम को हम निर्माण में निर्माण कार्य लगाएंगे और इस पुल को बनाने के लिए हमें आज यहाँ के पब्लिक के बीच, जनता के बीच, अपने माँ बहन, अपने भाई के बीच वादा कर रहे हैं कि इसको हम पुल हर परिस्थिति में बनवाएंगे। विधायक जी से बनवाए, अपने बनवाए, जैसे भी बनवाए, इस पुल का निर्माण हम करवाएंगे। आपने सुना, विधायक कोटा हो या फिर अपने निजी खर्च से भी इन्होंने गांव वालों के बीच ये वादा किया है कि इस पुलिया का निर्माण कराएंगे। राजा गुप्ता जी भी हैं, डाल्टनगंज विधानसभा में आपका अच्छा छाप है लेकिन पांकी विधानसभा में आपका दौरा चल रहा है। देखिए, पांकी विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं और हमारा समाज, तैलिक साहू समाज जो है वो निर्णय लिया है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग वोट मांगेंगे। वोट किस लिए मांगेंगे? यहाँ से जो पांकी विधानसभा क्षेत्र रहा है, पिछड़ा इलाका रहा है और खास करके हमारे समाज के लोगों को उपेक्षित किया गया है पहले से। इस बार जो हम लोग इस शर्त पर समर्थन कर रहे हैं कि विकास में भागीदारी और राजनीतिक में हिस्सेदारी हम लोगों को चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो अगले चुनाव में सभी दल और सभी लोगों को, राजनीतिक दल या व्यक्ति को, हम लोग करारा जवाब देंगे। और इस बार हम लोग इस शर्त पर समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कि जैसे अभी आप यहाँ आए तो भारी विरोध पुल के लिए था, हम लोग पुल घोषणा किए हैं आदरणीय रामदास साहू जी, यदि विधायक जी अपने अनुशंसा से किसी भी विभाग से या विधायक कोटा से नहीं बनवाते हैं तो निजी खर्च या चंदा करके हम लोग इस पुल को बनवाएंगे, लेकिन जरूर बनवाएंगे। इसी तरह का जहां जहां जा रहे हैं हम लोग, जो समस्या है लोगों का, समाज का, उसको हम लोग नोट कर रहे हैं और सभी बिंदुओं पर चुनाव के बाद, चूंकि माहौल आप लोगों ने भापा होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है चुनाव
भारी मतों से जीतेंगे हमारे समाज के बदौलत। तो जहां जहां जो समस्या हम लोग नोट किए हुए हैं उस पर यदि काम नहीं हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे और निश्चित रूप से आपको अगले बार दिखेगा कि हमारा जो समाज मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है उसका परिणाम भी हमारे समाज को मिलने जा रहा है। एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहेंगे, रामदास साहू जी से पूछना चाहेंगे। आपने जो प्रत्याशी का चयन किया है, लोगों के बीच आकर जन समर्थन जुटा रहे हैं, अपनी गारंटी पर वोट मांग रहे हैं, शशिभूषण मेहता में ऐसा क्या कुछ दिखाई है? भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये समर्पण कैसे हुआ, कि चयन कैसे किया आपने कि इन्हें सपोर्ट करना? देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं वो समाज का भी ऊपर से नेतृत्व हम लोग, हमारा ही समाज कर रहा है। हमारा समाज का भी ऊपर से निर्देश है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने समाज से वोट दिलवा करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिता करके विधानसभा भेजने का काम कीजिए। आपकी समाज में यदि कुछ काम बाकी होगा तो निश्चित तौर पर आने वाला 5 साल के दिन में उस काम को पूरा किया जाएगा। इस कारण हम लोग अपने समाज से अनुरोध करके, प्रार्थना करके, एक मत हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः हमारा समाज एक मत होकर के 13 तारीख को मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीतेगा। और जो काम अधूरा हमारा समाज में है, जो हमारा समाज कभी कभी अपेक्षित हो गया है, उसको हम लोग अपेक्षित 5 साल में नहीं होने देंगे। उसका हर काम को हम लोग पूरा करने का वादा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का निर्णय लिए। आपने सुना, ये बजलपुर गांव है और यहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है। एक मत से इन्होंने जो निर्णय लिया है वो आपने सुना हमारे कैमरे की नजरों से। पीछे महिलाएं भी हैं और लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे हैं उनका विरोध जरूर है, लोगों से दूरी उनकी बनी हुई है, लेकिन इस दूरी को पाटने का काम रामदास साहू जी कर रहे हैं। अपने समाज में, अपने इलाके में घूमकर ये लगातार प्रयासरत हैं। हमने पहले भी दिखाया था और इनसे बात की थी और आगे भी हमारी चुनावी कवरेज यात्रा जारी रहेगी। हम लोगों से मिलेंगे, कहाँ किसका रुझान है हम इससे अवगत कराएंगे, प्रत्याशियों के विजन से आपको अवगत कराएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।